हेलो दोस्तों, वेलकम। आज मैं आप सबको इस H1 डीजल की श्रृंखला में आप सबका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं एक हाउस होल्ड यूज वाले प्रोडक्ट्स बनाने में वाली कंपनी, यानी कि आप सब जानते, शायद आप हर हर एक के घर में ही इसकी प्रोडक्ट रही होगी, टीटी के पेस्टीज। हाँ दोस्तों, मैं टीटी के पेस्टीज के बारे में, उसके H1 डीजल के बारे में कुछ आप सब लोगों को बताने वाला है। लेकिन इससे पहले मैं कुछ और कुछ बताना चाहता हूँ। जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं इस स्लाइड में, आप स्लाइड में ये जो अवॉर्ड हमारे टीचर यानी कि पीयूष पटेल को, प्रॉफिट फ्रॉम ईट को बेस्ट स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग इंस्टीट्यूट ऑफ द ईयर का मिला है, जो मेरे लिए गर्व की बात है कि मैं इस इंस्टीट्यूट का स्टूडेंट हूँ। मैं खुश नसीब हूँ कि मुझे यहाँ इस इंस्टीट्यूट में मैंने ज्वाइन किया और मैंने बहुत कुछ लर्न किया। बहुत लुक करने के बाद जो फंडामेंटल के बारे में कुछ नहीं जानता था, लेकिन आज मैं जानने मिला है और मेरे लिए खुशी की बात है। तो आइए दोस्तों, अब हम जानेंगे टीटी के प्रेस्टीज के बारे में। दोस्तों, हमें मालूम है कि भारत आने वाले दिनों में बहुत बढ़ोतरी करने वाला है, लोगों की इनकम बढ़ने वाली है, लोगों का खर्चा बढ़ने वाला है। जैसे जैसे इनकम बढ़ेगी, लोगों का खर्च बढ़ेगा। दोस्तों, हम सब जानते हैं कि ये 5 करोड़ मिडिल क्लास लोग हैं, वो जैसे इनकम बढ़ के ऊपर आएंगे तो वो कुछ अच्छे यानी कि ब्रांड ब्रांड वैल्यू में परचेस करेंगे, और जैसे ही ये ब्रांड वैल्यू परचेस करेंगे तो इस इंडस्ट्रीज का सेल्स बढ़ेगा। दोस्तों, आने वाले 5 सालों में लोगों का ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि आने वाले 5 सालों में ये जो इंडिया है उसका कंज्यूमर जो आइटम है वो 5% से ग्रो करने वाली है। पिछले दिनों से हम देख रहे हैं, ईयर टू ईयर ये इंडस्ट्री 12% से CAGR से ग्रो कर रही है। कि हम इस इंडस्ट्रीज के बारे में, इसकी पीयर कंपनी के बारे में आगे चर्चा करेंगे, लेकिन पहले जानते हैं कि टीटी के प्रेस्टीज के बारे में कुछ मैं बताना चाहूंगा, क्योंकि ये एक लिस्टेड कंपनी है भारत में, हाउसवेयर इंडस्ट्रीज से बिलोंग करती है। 1928 से वो मैन्युफैक्चरिंग कर रही थी। शुरू में वो सिर्फ एक प्रेशर कुकर जैसी प्रोडक्ट बनाती थी, लेकिन धीरे धीरे समय के साथ उसने कुछ नई रेंज बनाई, कुछ अलग अलग अप्लायंसेस जैसे कि किचन अप्लायंसेस, कुकवेयर प्रोडक्ट्स और क्लीनिंग सॉल्यूशन जैसी प्रोडक्टों को उसने उसमें बढ़ोतरी की और रेंज को बढ़ाया और अपने सेल्स को ग्रो किया। आइए दोस्तों, अब मैं इसके बारे में और बता दूं कि उसके कोई और कंपनी या ग्रुप कंपनी है कि नहीं। तो फ्रेंड्स देखिए, टीटी के प्रेस्टीज कुल 4 ग्रुप कंपनी में डिवाइडेड है, जिसमें से 2 कंपनी लिस्टेड है, जिसमें से टीटी के प्रेस्टीज जो कि हम बात करने वाले हैं वो कंज्यूमर ड्यूरेबल से लिस्टेड है, टीटी के हेल्थ केयर जो कि फार्मा डिवीजन से लिस्टेड है, तो ये दोनों कंपनियां अभी लिस्टेड है। लेकिन टीटी के प्रोटेक्टेड डिवाइसेस जो इसी तीसरी कंपनी है जो कि कंडोम बनाती है, वो अभी लिस्टेड नहीं है। और टीटी के सर्विस प्राइवेट लिमिटेड NRL सर्विसेज है जो कि KPO है। तो ये 2 कंपनियां हैं वो लिस्टेड नहीं है, लेकिन ये जो 2 है लिस्टेड है। अब हम जानेंगे, देखिए वर्ष 2011 में कंपनी ने सोचा कि उसका मार्केट, उसने अपनी प्रोडक्ट को हर घर में पहुंचाने का सोचा। उसके लिए उसने कुछ ऐसा सोचा कि मेरी एक ये प्रोडक्ट हर एक घर में होनी चाहिए। उसके लिए उसने बहुत सारी मेहनत की। सबसे पहले उसने ये उसकी रेंज बढ़ाई, उसकी नई नई स्कीम बढ़ाई, और उसने ब्रांड एम्बेसडर ऐश्वर्या राय और अभिषेक बच्चन को ब्रांड एम्बेसडर बनाया, और उसने इसके नजरिए प्रमोट किया। और दोस्तों, उसने क्या किया, उसने एक ऐसा स्लोगन जो एडवर्टाइज किया, उसने लोगों के दिमाग में आया, जैसे आप सब जानते थे ये क्या, जो बीवी से करे प्यार वो प्रेस्टीज से कैसे करे इनकार। ये स्लोगन के जरिए उसने एक ब्रांड इमेज बनाई इंडस्ट्रीज में, एडवर्टाइज में, सब लोगों को घर में अपनी यही इमेज और यही एडवर्टाइजिंग के जरिए से वो उससे धीरे 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 करके वो हर घर के अंदर अपनी प्रोडक्ट को इंप्लीमेंट करती है। हर प्रोडक्ट, हर कंज्यूमर को वो प्रोडक्ट लेने के लिए उसने
आकर्षित किया और अपने प्रोडक्ट को सेल किया, इस तरह से उसने अपनी प्रोडक्ट को बताया। अब हम देखेंगे कि ये जो पूरी इंडस्ट्री है, हाउसवेयर इंडस्ट्री, जिसमें लिस्टेड कंपनियां हैं, ये 12 लिस्टेड कंपनियां हैं, तो ये 12 कंपनियां सब मिला के 30,000 करोड़ का मार्केट कैप, उसका मार्केट कैप सबका 30,000 करोड़ का है। उसमें से 45% अकेली टीटी के प्रेस्टीज का है और 19% बोरोनी का है। तो दोस्तों अब यहाँ हम देख रहे हैं कि पूरी इंडस्ट्रीज में टीटी के प्रेस्टीज ही 50% मार्केट कैप को अपना वो हिसाब कर देती है। इसके बाद हम देखेंगे कि इस इंडस्ट्रीज सब मिला के क्या करती है। तो ये इंडस्ट्रीज में जो पूरी कंपनी है, इसमें से 80% कंपनियों का मार्केट कैप है वो 3-4 कंपनियों से आता है, जिसमें से टीटी के प्रेस्टीज 52% का सेल्स करती है, जो कि 2100 करोड़ का अकेली टीटी के प्रेस्टीज करती है। इसके बाद आता है हॉकिंस, जो कि 20% का एक्स्ट्रा हिस्सा है, जो 700 करोड़ का सेल्स करती है। ये दोस्तों, इसके बाद हम देखेंगे कि इस इंडस्ट्रीज का मुनाफा क्या होता है। दोस्तों ये इंडस्ट्री इतनी मुनाफे करने वाली सभी कंपनियां का मुनाफा या तो मतलब मेरा मतलब कि ये प्रॉफिटेबल सेक्टर नहीं है, इस सेक्टर की सभी कंपनियां मुनाफा नहीं करें, उसमें से चुनी चुनी हुई कुछ कंपनियां है, जिसमें से टीटी के प्रेस्टीज, हॉकिंस, बोरोनिल और लाओ बेला ऐसी कुछ कंपनियां ही है जो कि प्रॉफिट कर रही है, इसीलिए इस सेक्टर का प्रॉफिट मार्जिन इतना ज्यादा नहीं आ रहा। देखिए आप देख रहे कि 521 करोड़ का ही ये सब कंपनियां देख के मुनाफा कर रही है, लेकिन इसमें से 237 करोड़ का अकेली टीटी के प्रेस्टीज ही कर रही है, जो कि ये अच्छी बात है। अब हम देखेंगे कि प्रॉफिट मार्जिन इस कंपनी में टीटी का क्या है। तो ये 11% से ये नॉट प्रॉफिट मार्जिन जनरेट करती है। अब हम इसके देखेंगे आगे के ICR, ICR माने कि वो अपने जो उसके ऊपर कर्ज है, उसने जो कर्ज लिया है, वो इस कर्ज को चुकाने कितने टाइम चुकाने के लिए वो प्रॉफिट कर रही है, मतलब अपने कर्ज से वो 56 टाइम चुका सकती है, इतना वो प्रॉफिट कर रही है, यानी कि उसका ICR 56, ये एक बहुत अच्छी बात है। अब डेप्ट इतनी, मतलब कंपनी के ऊपर डेप्ट कितना है, तो ये सिर्फ 3% के बराबर है, मतलब ये पूरी डेप्ट फ्री कंपनी है। अब हम देखेंगे रिटर्न ऑन इक्विटी, यानी कि कंपनी का इक्विटी और रिजर्व दोनों मिला के वो कितना टाइम्स हमें जनरेट करके कमाती है, तो ये 16% से ये रिटर्न ऑन इक्विटी जनरेट करती है। अब हम देखते हैं रिटर्न ऑन पेड अप इक्विटी, यानी कि कंपनी की जब शुरुआत हुई, जो इक्विटी उसने लगाई थी इन्वेस्टरों ने, उसने कितना टाइम बढ़ाया, तो ये 17 टाइम उसने ये अपनी लगाई हुई मूड़ी को उसने ग्रो करके दिया है। अब हम जानेंगे, देखिए अब समय के साथ वो उसने जो स्लोगन था, उसकी स्ट्रेटजी थी, उसका सेल्स का जो जरिया था वो भी बदल गया। तो अभी कंपनी का क्या है, अपनी कंपनी एक नया स्लोगन लाई कि बेहतर जिंदगी के लिए बदलना जरूरी है। तो ये स्लोगन उसने प्रमोट किया है एडवर्टाइज में, मीडिया में, उसकी प्रोडक्ट और उसके साथ ये मतलब ये उसने स्लोगन के साथ उसने अपनी जो प्रोडक्ट जो पुरानी 1949 से जो रेंज बना थी उसमें भी चेंज किया, उसने नई प्रोडक्ट नए मॉडल्स बनाए, उसके साथ कुछ नए नए चीज़ें बनाई। तो ये एक स्लोगन कि बेहतर जिंदगी के बदलना जरूरी है, ये स्लोगन को पुरवार करने के लिए उसने अपने सारे जो मैन्युफैक्चरिंग की जो लोगों की जरूरियात के अनुसार अपनी प्रोडक्ट को बढ़ाई है और अपने जो मॉडल है उसमें चेंजेस किया है। अब हम देखते हैं दोस्तों कि इस इंडस्ट्रीज के इस कंपनी के इतिहास देखते हैं कि ये 2003 में 114 करोड़ का जो सेल्स करती थी, जो कि अभी 2200 करोड़ के आसपास है, यानी कि अपने ये 18 सालों में 18% CAGR से उसका ग्रो हुआ है और ये 20 टाइम मतलब 20 गुना उसका सेल्स में बढ़ोतरी है, एक अच्छे कंपनी की निशानी है। अब हम उसके प्रॉफिट के बारे में देखिए, तो प्रॉफिट 2003 में -11 करोड़ का लॉस करती थी, लेकिन हमने जो जैसे अभी बताया कि 2011 में उसने सोचा कि हर घर में एक इसकी ब्रांड उसकी चीज होनी चाहिए, ये स्लोगन को किया और उसने देखिए उसके बाद उसके मुनाफे में कितना बढ़ोतरी है। तो अभी ये 237 करोड़ का यानी कि 51% CAGR से वो प्रॉफिट कर रही है और 1111 टाइम्स उसका प्रॉफिट बढ़ा है। अब हम देखते हैं कि रिजर्व यानी कि उसके उसने जो प्रॉफिट करती है उसमें से लोगों को डिविडेंड या बांटने के बाद उसके पास जो रिजर्व रहता है, तो ये 34 करोड़ का रिजर्व था उसको 2003 में,
जो कि अभी 15,000 करोड़ का 1500 करोड़ का रिजर्व है, यानी कि 44 times वो उसका रिजर्व बढ़ा है। देखिए दोस्तों, यहाँ हम दिख रहे हैं कि किस तरह से हमें चार्ट में दिख रहा है कि दिन ब दिन उसका रिजर्व बढ़ ही जाता है। तो दोस्तों, जैसे ही इसका रिजर्व बढ़ा है, ऐसे ही उसकी प्राइस में भी बढ़ोतरी है। मैं यहाँ आपको दिखाना चाहूंगा। देखिए दोस्तों, ये 2000 ये ठीक है, इसका टेक्निकल चार्ट है। इसमें क्या दिख रहा है आपको, कुछ दिखता है? यहाँ मैंने दिखा है कि 2000 के अंदर उसका प्राइस था 20 रुपया और आज 11,600 रुपया। यानी कि वो इन 20 वर्षों में 580 times उसको प्राइस में बढ़ोतरी है। यानी कि अगर 2000 में मैंने 1,00,000 रुपया इन्वेस्ट किया होता इस कंपनी में, तो आज वो बढ़ के 5.8 करोड़, दोस्तों 5.8 करोड़ आपको अनबिलीवेबल लगेगा, लेकिन ये आपकी नजर के सामने, ये उस आपकी जो वैल्यू है इन्वेस्टमेंट की, जो वो इतनी वेल्थ जनरेट हो गई, तो ये अच्छी कंपनियां का ये निशानी होती है। अब हम देखेंगे वो कितने मार्जिन से काम करती है, तो 11% से अभी मार्जिन करके जनरेट करती है। अब हम देखेंगे कि पिछले सालों में उसने कितने परसेंट से ग्रो किया, तो देखिए दोस्तों, करंट ईयर में ये 5% से सेल बढ़ा है, प्रॉफिट 28% का आ रहा है। पिछले 5 सालों से वो 7% से सेल्स बढ़ा है और प्रॉफिट 16% जनरेट किया है, और पिछले 10 सालों से 11% से सेल्स बढ़ा है और प्रॉफिट भी 16% से, ये हमें इस चार्ट में दिख रहा है। अब हम देखेंगे कि करंट ट्रेंड क्या है, करंट ट्रेंड को जानना जरूरी है दोस्तों, उसी से हमें पता चलता है कि आने वाले दिनों में उस कंपनी में क्या होने वाला है। तो देखिए, कोरोना की अफेक्ट इस सब कंपनी में ही थी, यहाँ भी उसको भी आई। देखिए, कोरोना की वजह से, लॉकडाउन की वजह से लोग घर में क्या दुकानें बंद थी, जिसकी वजह से कोई सेल्स नहीं हो रहा था। डायरेक्टली हम लास्ट 9 months के रिजल्ट में दिख रहे हैं कि उसके सेल्स में 4% की लॉस में, मतलब 4% का लॉस आया, लेकिन उसके बाद एनुअल रिजल्ट में इसका 5% का सेल्स हुआ। लेकिन जैसे ही लॉकडाउन खुला, लोग बाहर निकलने लगे, तो जो लो बेस था यहाँ से अब उसका Q1 रिजल्ट आया, तो वहां से 77% का उसके सेल्स में जंप आया। उसके बाद ये H1 जो भी नॉर्मल हो रहा है लोग, तो यहाँ उसके 46% का उसका सेल्स बढ़ा है। ये हम दिख रहा है कि ये अभी धीरे धीरे गाड़ी जो कोरोना से बाहर निकल के पटरी पे आ रही है, वैसे वैसे इसका सेल्स में भी बढ़ोतरी हो रही है। अब हम देखिए कि उसने मार्जिन क्या किया। देखिए, लास्ट टाइम कोरोना की वजह होने के बावजूद भी उसने 10% का मार्जिन जनरेट किया था, और एनुअल में 11% का, Q1 में 8% और H1 में 11%, मतलब ये 10 से 11% को मार्जिन को वो अपने मार्जिन को स्टेबल करके रख सकती है, ये अच्छी कंपनी की निशान। यहाँ देखिए कि फ्रेंड्स, कोरोना होने के बावजूद भी उसने 10 से 11% का मार्जिन समतोल करके रखा है। अब हम देखिए कि उसके अलग अलग प्रोडक्ट्स में कितना ग्रो हुआ है लास्ट H1 रिजल्ट का। अभी H1 रिजल्ट से हम देखें कि उसका कुकर जो प्रोडक्ट है उसमें 53% का ग्रो हुआ है, कुकवेयर के अंदर 51% का, और अप्लायंसिस में 52% का, और अदर्स में 18% का, इस तरह से उसका ग्रो हुआ है। अब हम देखेंगे कि फ्यूचर में, हम आने वाले फ्यूचर में उसको क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, उसको क्या दिया, क्या क्या हम कर सकते हैं इस कंपनी के बारे में। तो जो पिछले 20 सालों का डेटा था, उससे हमने कैलकुलेशन करके हम ये मानते हैं, ये करंट ट्रेंड को और पिछले डेटा को कैलकुलेट करके हमने ये किया कि उसका हम शॉर्ट टर्म में 12% से सेल्स और 12% से प्रॉफिट को हो, इस तरह से हमने लिया है यहाँ पे। तो इसके हिसाब से अगर ये 12% से सेल्स से ग्रो करती है, तो 2022 में उसका 2400 करोड़ का सेल्स हो सकता है और 265 करोड़ का मुनाफा हो सकता है। और लॉन्ग टर्म में, यानी कि 2025 में हमने यहाँ पे 20% का सेल्स ग्रो और प्रॉफिट ग्रो 20% का लिया है, तो इसके मुताबिक यहाँ हमें 4,500 करोड़ का उसका सेल्स हो सकता है और 500 का प्रॉफिट। और 2030 आते आते दोस्तों, ये कंपनी 11,200 करोड़ का सेल्स कर सकती है और 1200 करोड़ का प्रॉफिट,
यानी कि बहुत अच्छा मुनाफा हमें दे सकती है। और देखिए दोस्तों, मैंने वैसे ही बताया कि भाई इंडस्ट्रीज में अनुमान लगाया है कि अभी लोगों की इनकम बढ़ेगी, लोगों की इनकम बढ़ेगी तो लोगों को ब्रांड परचेस करने में वो अपना पैसा खर्च करेगी, और ये चुनी गुनी चुनी हुई ब्रांड इमेज वाली जो कंपनियां हैं उसका मुनाफा और प्रॉफिट और सेल्स बहुत बढ़ने वाला है दोस्तों। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, जो हमने यहाँ पे जो फ्यूचर वैल्यू दिखाई कि 2022 में हमारे डेटा के गुना फेयर वैल्यू हमें 5000 दिख रही है और 2025 में वो 10000। तो देखिए, लेकिन आपका सवाल रहेगा कि अभी 11000 चल रही है तो आप तो 10000 का बोल रहे हैं, तो लेकिन देखिए जो अच्छी कंपनियां है हमेशा हाई पी पे ही चलती है, वो अपनी फेयर वैल्यू से ऊपर ही इसका करंट मार्केट प्राइस होता है। ये एक अच्छी जाने वाली कंपनियों का बिहेवियर होता है, तो अपने फेयर वैल्यू से ऊपर रहने वाली इस कंपनी में हमेशा हमें इन्वेस्ट करना चाहिए। तो देखिए, ये फेयर वैल्यू हम 2030 में 25000 का प्राइस, जो कि मेरे हिसाब से जिस तरह से अभी भी करंट प्राइस 2025 के मुकाबले ऊपर चल रहा है, ये भी जल्दी आ जाएगा। तो दोस्तों, अगर कभी भी किसी भी वजह से अगर किसी गिरावट भी ये नीचे आती है, हमें इस तरह की कंपनी के अंदर इन्वेस्ट हमेशा करना चाहिए। अब हम देखेंगे कि शेयर, देखिए फ्रेंड्स, जिस तरह से हम देखेंगे अच्छी कंपनी, ये अच्छी वाली कंपनी में कौन कौन इन्वेस्ट करे, यहाँ हमें डायरेक्ट दिखता है कि 2010 के अंदर 75% का प्रमोटर था, जो कि कुछ गवर्नमेंट की पॉलिसी की वजह से उसको अपना हिस्सा बेचने के लिए क्या होगा, तो उसने 70% पे है। अभी म्यूचुअल फंड के अंदर 2% से 13% पे आई, फॉरेन पार्टिसिपेंट 5% से 10%, मतलब ये फॉरेनर्स और ये म्यूचुअल फंड वाले इस तरह की कंपनी को बिलोंग करते हैं, इस कंपनी के कंपनी में इंटरेस्टेड है, इसलिए उसने अपना हिस्सा बढ़ाया है। लेकिन हम इन्वेस्टर लोग मुनाफा बांध के निकल जाते हैं, इसलिए देखो 18 से 7%। लेकिन दोस्तों, इस तरह की कंपनी में टिके रहने से ही हम 1,05,000,000 बना सकते हैं। अब देखिए दोस्तों, यहाँ मैं टेक्निकल चार्ट के बारे में कुछ दिखाना चाहता हूँ। देखिए दोस्तों, ये इतना बढ़ गया है लास्ट कुछ कोरोना के बाद अपने ब्रेकआउट किया है, लेकिन अगर किसी की किसी वजह से अगर वो अपने नाउ 9000 के आसपास अगर ये आए, तो इस कंपनी में जरूर इन्वेस्ट करना चाहिए। इस कंपनी में SIP भी कर सकते हैं, और आने वाले नियरेस्ट टारगेट हम उसको 15000 का रखते हैं, और लॉन्ग टर्म का हम 21000 का टारगेट मान के चल सकते हैं। तो दोस्तों, मेरा ये मानना है और मेरा सजेशन नहीं, लेकिन मैं अब मेरा कुछ ऐसा जो मैंने ये चर्चा किया आप सब लोगों के साथ, इस तरह से ये डेटा को स्टडी किया है, ये देखते हुए मुझे लगता है कि इस तरह की कंपनी में बिल्कुल 2 से 3% तक हमें इन्वेस्ट करना चाहिए। दोस्तों, ये कोई मेरा सजेशन नहीं है, सुझाव नहीं है कि आप इसमें डायरेक्ट इन्वेस्ट कीजिए। अगर किसी भी इन्वेस्टर को इसमें इन्वेस्ट करना है, तो अपने कंसल्टिंग इन्वेस्टर से सलाह मशवरा करने के बाद कि वो इन्वेस्ट करना चाहिए। ये सिर्फ मेरा स्टडी पर्पस के लिए बनाया हुआ है। थैंक यू दोस्तों।